चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. नाउ फ्लूइड्स, व्हाट आर फ्लूइड्स? एनीथिंग विच कैन फ्लो. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड होता है, राइट? सो दैट मींस फ्लूइड्स में आपके लिक्विड्स एंड गैसेस आ जाएंगे. सो दिस एंटायर चैप्टर विल नाउ डील विद लिक्विड्स एंड गैसेस. सॉलिड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक? एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये जो चैप्टर है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कहीं अलग से लिखा नहीं है, ठीक है? बट दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जो हमें करने हैं. फर्स्ट इज द हाइड्रोस्टैटिक्स एंड द अदर वन इज हाइड्रोडायनामिक्स. ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? हाइड्रो वर्ड जो है, हाइड्रो मीन्स वाटर, बट फ्लूइड्स इन जनरल हम यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है? सो फ्लूइड्स. नाउ स्टैटिक्स वर्ड, स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिक, रेस्ट. सो फ्लूइड्स एट रेस्ट, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है? जबकि यहां पर अगर हम देखें, सो फ्लूइड्स एंड डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स समथिंग विच इज मूविंग. सो फ्लूइड्स इन मोशन. सो दीज आर द टू ब्रांचेस दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर इन दिस सिंगल चैप्टर, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हाइड्रोस्टैटिक्स. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अपनी जूनियर क्लासेस में भी आपने ये किया ही है. सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज भी आपको पता ही है सब, दैट सॉलिड्स में द मॉलिक्यूल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, लिक्विड्स में थोड़ा सा ज्यादा दूर होते हैं एंड गैसेस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं. देन वॉल्यूम की अगर हम बात करें, सो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, whereas gases they do not have a definite volume, right? gas को अगर आप एक container में fill करते हैं तो gas पूरे container में फैल जाती है. and compressibility की अगर बात करें, so gases are highly compressible, solids are least compressible, right? and there are many other properties जो आपको already पता है, right? अब यहां पर हम यही कंसिडर करेंगे कि जो भी लिक्विड या गैस हम ले रहे हैं उस लिक्विड या गैस पे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर? एंड देर आर वेरियस लॉज ऑल्सो विच आर एसोसिएटेड, वो टाइमली आपको बताते जाएंगे. नाउ प्रेशर, दिस वर्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. What is pressure? Pressure क्या होता है? Force upon area, right? मान लीजिए मेरे पास कोई एक object है, उस object पे मैंने एक force exert करी एक particular area पे, तो हम कह सकते हैं कि हमने pressure apply किया है, right? And smaller is the area on which the force is acting, greater will be the impact. जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा. इसकी एप्लीकेशंस आपने की है, नाइन्थ क्लास में पढ़ी है आपने. ब्लंट नाइफ और शार्प नाइफ ले लें अगर, तो द शार्प नाइफ विल कट द फ्रूट और द वेजिटेबल प्रॉपरली मोर इजिली एज कंपेयर टू अ ब्लंट नाइफ. इवन डैम के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर एक डैम है उसका जो फाउंडेशन है दैट इज लेड ब्रॉड, ब्रॉड फाउंडेशन सेटअप किया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर कम हो जाए, राइट?
इस तरीके से हमने काफी एप्लीकेशंस 9th क्लास में की हैं, आपको ये पता है ऑलरेडी. सो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. नाउ अब यहां पर जो आपको पॉइंट एक समझने की जरूरत है वो पॉइंट क्या है, देखो. सपोज आई हैव अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर लेट्स से इज फिल्ड विद अ लिक्विड. इट कैन बी अ गैस ऑल्सो. आई मीन ये फ्लूइड के लिए वैलिड है, ठीक. एंड सपोज करिए इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया, ठीक है. नाउ ये जो लिक्विड है ये इस ऑब्जेक्ट पर हर डायरेक्शन से फोर्स एग्जर्ट करेगा, करेक्ट. अब जो पॉइंट मैं बता रही हूं ये पॉइंट ध्यान से सुनना. दिस फोर्स विच द लिक्विड एग्जर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर और दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी आर टेकिंग. मतलब ऑब्जेक्ट के सर्फेस पर हर तरफ से जो फोर्स लग रही है वो क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर लगेगी हमेशा, क्लियर. पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो लेते हैं हम, पैरेलल मींस अगर आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक. अगर आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दे, मान लो इस तरीके से फ्लूइड इस सरफेस पर एक एफटी टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है, मान लो, क्या होगा जब लिक्विड इस सरफेस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है तो सरफेस भी उस लिक्विड पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा. न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, करेक्ट. सो होगा क्या, हाँ जी, होगा क्या फिर. अब आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो दैट द फ्लूइड इज एट रेस्ट, बट अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस फ्लूइड पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है तो ये जो यहां पर फ्लूइड एट रेस्ट हमने माना हुआ है क्या होगा, ये मूव करने लगेगा, द फ्लूइड विल स्टार्ट मूविंग. तो फिर तो वो फ्लूइड एट रेस्ट हुआ ही नहीं. सो हम यहां पे क्या कंसिडर करेंगे कि जब भी हम एक फ्लूइड लेंगे जो रेस्ट पर है, सो उस फ्लूइड के लिए हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर फोर्स लगेगी हमेशा नॉर्मल फोर्स लगेगी, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स नहीं लेंगे, ठीक है. जो भी फोर्स आप लगा रहे हो दो हो सकती है ना, परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो टेंजेंशियली भी लगा सकते हो. सो फ्लूइड एट रेस्ट के केस में हम हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का लेंगे, पैरेलल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं लेंगे, क्लियर. नाउ ये जो आपने जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, ये जो फॉर्मूला होता है ना, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रेशर, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है. दिस फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज ऑफ एवरेज प्रेशर, ठीक है. पी एवरेज इज फोर्स अपॉन एरिया, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पर फोर्स लग रही है तो कितना प्रेशर लगा रहा है ये फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर.
बट अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास और उस ऑब्जेक्ट के लिए आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल साइज एरिया, मान लो बहुत छोटा सा एरिया ले रही हूं, कि जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, डस्टर का पूरा अपना एक एरिया है। अब मैं ये कह रही हूं कि मैंने बहुत छोटा सा इस डस्टर का पोर्शन ले लिया जहां पे मैं फोर्स अपना अप्लाई कर रही हूं। सो व्हेन द एरिया इज आर्बिट्रेरली स्मॉल, इट्स वेरी 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 स्मॉल, उस कंडीशन में जब आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे सो प्रेशर भी बहुत छोटा आएगा। ठीक है, जो प्रेशर छोटा आएगा बड़ा आएगा, बोलो। इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया, व्हाट विल बी द प्रेशर? सो ऐसी सिचुएशन में कि जब आप एक बहुत छोटे से एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, सो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। प्रेशर विल बी लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। कि बहुत छोटे एरिया पे आपने एक फोर्स लगाई तो कितना प्रेशर एग्जर्ट हुआ, दैट इज दिस। ये बस एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे एग्जाम में। वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब है? कि एरिया बहुत छोटा है लेकिन जीरो नहीं है, आई मीन इट्स क्लोज टू नेग्लिजिबल बट इट इज नॉट नेग्लिजिबल, इट इज नॉट जीरो। सो आप उस छोटे से एरिया डेल्टा ए एरिया पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डेल्टा एफ, छोटी सी आपने एक फोर्स लगा दी, तो जो भी रिक्वायर्ड प्रेशर वहां पे क्रिएट हुआ वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लिमिट डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए। नाउ प्रेशर की अगर हम बात करें, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इवन इफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज अ वेक्टर, बट स्टिल प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर के लिए आप डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते हो। प्रेशर हैज मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन है, हम नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देखने में लगता है कि जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन प्रेशर की होगी, बट ऐसा नहीं होता। जो भी डायरेक्शन है वो फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, प्रेशर के साथ कोई डायरेक्शन हम नहीं पता कर सकते। क्योंकि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को मान लो एक फ्लूइड में डालती हूं, हर एक डायरेक्शन से सेम प्रेशर उस पर लगेगा, तो मैं कैसे पता कर सकती हूं कि किस डायरेक्शन से कैसा प्रेशर है? प्रेशर इज एग्जर्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सी, प्रेशर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स एस आई यूनिट। नाउ देयर वॉज वन साइंटिस्ट बाय द नेम ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, ही गॉट द क्रेडिट ऑफ यू नो ऑफ फाइंडिंग द स्टडी ऑफ प्रेशर्स, प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। सो इसी वजह से पास्कल को ऑनर करने के लिए प्रेशर की जो एस आई यूनिट है वो पास्कल है, कैपिटल पी स्मॉल ए। ठीक है, पास्कल विच इज बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। एस आई यूनिट तो हो गया। ठीक है, एस आई यूनिट के अलावा देयर इज वन वेरी कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर इज
अनदर कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है एटमॉस्फेयर का, इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। सी लेवल हमेशा सी लेवल को हम रेफरेंस मानते हैं, है ना। आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, हिल स्टेशन पे लिखा होता है ना, साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, यू आर एट अ हाइट ऑफ 35,000 फीट अबव सी लेवल। तो सी लेवल जो होता है ना, दिस इज द रेफरेंस दैट वी टेक। जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट भी जो निकाली गई है कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल। सी लेवल को हमेशा रेफरेंस माना जाता है, ऑलवेज। सो एटमोस्फेयर जो है, दैट इज अ वेरी कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर, विच इज वॉट, इट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमोस्फेयर एट द सी लेवल। सी लेवल पर जो एयर है, जो अर्थ की एटमोस्फेयर है, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, दैट इज एटमोस्फेयर। एंड एटमोस्फेयर और पास्कल का एक रिलेशन होता है, वन एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10^5 पास्कल। ये रिलेशन आप याद रखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन इन न्यूमेरिकल्स। ओके, सो वन एटमोस्फेयर, ATM इसका सिंबल है, वन एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10^5 पास्कल, है ना। एटमोस्फेयर ये यूनिट हो गई, और जो प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा है उसको बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। एंड इफ वी नीड टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशंस मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाल लो, सो m1 l1 t-2, एरिया की डायमेंशंस l2। सो यहां से प्रेशर की डायमेंशंस आ गई m1 l-1 t-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। एक सिचुएशन मैं आपको बताती हूं, आप लोगों ने शायद ये चीज कभी ना कभी जरूर ऑब्जर्व करी होगी। मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, देयर इज अ रूम, और उस रूम के अंदर लेट्स से एक तरफ एक विंडो है, ठीक है, और यहां पे कहीं पे डोर है, लेट्स से इधर कहीं देयर इज अ डोर, ठीक। जैसे ही आप, हाँ, डोर अभी बंद है, जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो, झटके से जब आप ये डोर ओपन करते हो तो विंडोज भी हिलती हैं। किया है कभी ऑब्जर्व? नहीं किया तो नहीं, अगर अगर किसी ने नहीं किया तो आज ये चीज आप ऑब्जर्व करना, क्लास ओवर होने के बाद अपना एक रूम, कोई भी रूम लो, ठीक है, डोर को बंद रखो, मेक श्योर उसमें विंडोज भी हो या कर्टेन्स हो, जो भी है, आप झटके से दरवाजा ऑन करो तो आप देख सकोगे विंडोज हल्की सी हिलेंगी या कर्टेन्स हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस, कभी ना कभी जरूर किया होगा। एक और एग्जांपल देती हूं, मान लो आपके पास वॉटर बेलून है, होली पे आप वॉटर बेलून से खेलते हो, नहीं तो एक नॉर्मल बेलून ले लो, उसके अंदर पानी भर लो, ठीक है, ये भी आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो। यू टेक अ बलून एंड फिल दैट विद वाटर। उसके बाद मान लो इस बलून की कुछ ऐसी शेप है, ठीक है, यहां से इसको बंद कर दो, दिस बलून इज फिल्ड विद वाटर। अब इस बलून को ना यहां से ऐसे स्क्वीज करना स्टार्ट करो, मान लो मैं इस सिर्फ इतने पोर्शन से इसको स्क्वीज करना, इसको पिचकाना स्टार्ट करो, मेक श्योर फटे ना बलून, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगानी शुरू करो,
तो क्या होगा, इस बलून की ना कुछ ऐसी शेप हो जाएगी, ये ऊपर से थोड़ा मोटा होगा, नीचे से मोटा होगा और बीच में से पिचक जाएगा। होता है ऐसा, यानी कि जो पानी इसके अंदर है वो पानी अब इधर एजेस पे चला गया, बीच में से वो पतला हो गया। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। आप बेलून करके देखो ये चीज, ट्राई। आप बेलून लो, पानी भरो, सिर्फ बीच में से उस बेलून को ऐसे करके प्रेस करना स्टार्ट करो। सो द एंटायर वाटर विल गो अप, ऊपर नीचे ऐसे फैल जाएगा पानी। सो ये हो क्या रहा है, ये क्या रीजन है कि जब आप डोर जोर से खोल रहे हो, खोला है आपने डोर लेकिन विंडोज कर्टेन्स हिलने लग गए। सो ये जो सारी कहानी है ना, इन सब चीजों के पीछे रीजन है पास्कल्स लॉ। ब्लेज पास्कल ने ही पास्कल्स लॉ दिया है, ठीक है। पास्कल्स लॉ की तीन स्टेटमेंट्स हैं, देर आर थ्री स्टेटमेंट्स ऑफ पास्कल्स लॉ। अभी मैं आपको पहले एक स्टेटमेंट समझाती हूं। फर्स्ट थिंग इज, पास्कल्स लॉ जो है, दिस इज वैलिड और दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली यूनिफॉर्म फ्लूइड्स, एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्म फ्लूइड्स। यूनिफॉर्म फ्लूइड होना चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब एक ही टाइप का फ्लूइड होना चाहिए। जैसे बेलून ले रहे हो, बेलून में बस पानी भरो, कुछ और नहीं। या जैसे आप रूम में एंटर कर रहे हो तो रूम में एयर है, सो इट्स ओनली वन काइंड ऑफ फ्लूइड, राइट। सो पास्कल्स लॉ जो है, दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली यूनिफॉर्म फ्लूइड्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, पास्कल्स लॉ इज वैलिड फॉर फ्लूइड्स एट रेस्ट, रेस्ट पे होने चाहिए, ऐसा बोला पास्कल ने कि फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट, देन द पास्कल्स लॉ विल बी एप्लीकेबल। जो डोर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है या बलून वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो फ्लूइड इन मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लूइड एंड रेस्ट का मैं आपको अभी देती हूं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ की, उसके लिए ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, दैट इट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म फ्लूइड्स विच आर एट रेस्ट। अब पास्कल्स लॉ कहता क्या है, पास्कल्स लॉ आपसे ये कहता है दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट सेम हाइट, ठीक है। ये एक अलग स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ की। क्या कहता है, अगर एक फ्लूइड है मेरे पास जो रेस्ट पर है, तो उस फ्लूइड में जितने भी पॉइंट्स मैं लूंगी जो सारे सेम हाइट पर होंगे, तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम रहेगा। मतलब जैसे ये आपके पास लेट्स से एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने सपोज करो एक लिक्विड फिल कर दिया, तो मान लीजिए यहां पर देयर इज अ पॉइंट वन, अनदर पॉइंट टू, अनदर पॉइंट थ्री, अनदर पॉइंट फोर। सो जितने भी ये पॉइंट्स हैं, वन टू थ्री फोर, सारे के सारे सेम हाइट पर है, सो इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम लगेगा। अगर कोई पॉइंट यहां पर है लेट्स से फाइव, तो यहां पे प्रेशर अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स
इफ दे आर एट सेम हाइट। ये पास्कल्स लॉ वैलिड कब है? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। यूनिफॉर्म फ्लूइड होना जरूरी है और फ्लूइड का रेस्ट पे होना जरूरी है। नाउ इस चीज को प्रूव करने के लिए पास्कल परफॉर्म्ड वन एक्टिविटी। व्हाट ही डिड, ही टुक अ कंटेनर एंड फिल इट विद अ लिक्विड। उसने कंटेनर लिया, उसके अंदर एक लिक्विड भरा एंड एक बहुत स्मॉल साइज का एक एलिमेंट लिया उसने, जो राइट एंगल प्रिज्म की शेप में था। ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट डजंट मैटर। प्रिज्म ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, सबके लिए ये वैलिड है। बट पास्कल ने जो एक्टिविटी की थी, पास्कल ने एक राइट एंगल प्रिज्म लिया था, बहुत छोटा सा, बहुत छोटे से साइज का, ABCDEF, एंड पास्कल ने बोला कि ये एलिमेंट इतना छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि ये जो पॉइंट्स है ABCDEF, इनको अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट पर मान लिया गया। ठीक है, एंड ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, ये रेस्ट पर है। अब अलग अलग सरफेस पर अलग अलग फोर्सेस अप्लाई की। लेट्स से इधर लगाई FA, इस सरफेस पे लगाई FB और इस सरफेस पर FC फोर्स अप्लाई करी। अभी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगाई है। ठीक है, आपको समझाने के लिए प्रिज्म बड़ा दिखाया गया है, वरना प्रिज्म बहुत छोटा है। ABCDEF सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। एंड लेट्स से इनका एरिया जो है वो है AA, AB एंड AC, सपोज। ठीक, एंड लेट्स से ये छोटा सा जो यहां एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक, नाउ साइन थीटा अगर हम निकालें, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है इधर वाला। सो फोर्स की टर्म्स में इसको लिख सकते हैं FC/FB, लिख सकते हैं। इसी तरीके से एरिया की टर्म्स में भी लिख सकते हैं AC/AB। साइन थीटा ले लिया मैंने, इसी तरीके से कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो FA/FB, एरिया के लिए भी आप लिख सकते हो AA/AB। पास्कल ने ऐसे किया। ठीक, अब साइन वाली टर्म्स को इक्वेट कर दिया, कॉस वाली टर्म्स को इक्वेट कर दिया, तो क्या आ गया यहां से, FC/FB इज इक्वल टू AC/AB और FC/AC कैन बी रिटन एज FB/AB। इसी तरीके से कॉस वाली टर्म्स को इक्वेट किया, FA/FB इज इक्वल टू AA/AB और FA/AA इज इक्वल टू FB/AB। जस्ट अ सेकेंड, आ रही। ठीक, क्लियर है? सो अब देखो, दोनों तरफ FB/AB है। सो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट FA/AA इज इक्वल टू FB/AB इज इक्वल टू FC/AC। एंड वॉट इज फोर्स अपॉन एरिया? प्रेशर। तो यहां से PA, PB, PC तीनों बराबर आ गए, हो गया पास्कल्स लॉ प्रूफ। इसी तरीके से आप DEF के लिए भी कर सकते हो। सो पास्कल ने ये चीज करके दिखा दी कि भाई एक कंटेनर में मैंने एक फ्लूइड लिया और उस फ्लूइड को रेस्ट पे रखा। ठीक है, मोशन नहीं है फ्लूइड के अंदर, इट इज एट रेस्ट। और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट सबमर्ज किया हुआ है,
जो ऑब्जेक्ट पास्कल ने लिया दैट वॉज राइट एंगल्ड प्रिज्म, एंड ये प्रिज्म का साइज इतना छोटा उसने लिया था कि जो प्रिज्म के ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स सेम लेवल पर है, ऐसा उसने माना. एंड जब उसने प्रॉपर कैलकुलेशंस करी सो ही फाउंड दैट प्रेशर्स, चाहे ए सरफेस ले लो, बी सरफेस ले लो, सी सरफेस ले लो, डी ई एफ, कोई भी सरफेस ले लो, हर सरफेस पे प्रेशर सेम लगा. सो ही कंक्लूडेड दिस थिंग कि हर एक पॉइंट पर प्रेशर बिल्कुल सेम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब सारे जो पॉइंट्स हैं जिन पे आप प्रेशर लगा रहे हो वो सारे पॉइंट्स सेम हाइट पर है. पास्कल्स लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया सो हमने वहां पर एक स्टेटमेंट लिखी दैट द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ दे आर एट सेम हाइट. जितने भी पॉइंट्स सेम हाइट पर होंगे उन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, प्रोवाइडेड जो फ्लूइड आप ले रहे हो वो फ्लूइड एक तो यूनिफॉर्म फ्लूइड होना चाहिए और रेस्ट पे होना चाहिए. ठीक है, ये वन स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ की. सेकंड स्टेटमेंट जो आप लिख सकते हैं पास्कल्स लॉ में दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड, फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये सेकेंड स्टेटमेंट है, आप दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो. ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स जो आपके सेम प्लेन में सेम हाइट पे लाई कर रहे हैं. तो जितने भी पॉइंट्स सेम हाइट पर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेंगे उन पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा. कब? जब यूनिफॉर्म फ्लूइड इक्विलिब्रियम में हो. इसका मतलब यूनिफॉर्म फ्लूइड रेस्ट पर हो. जब रेस्ट पे होगा कोई मोशन नहीं है उसके अंदर तो अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ ने हमें बोला कि भाई जितने भी पॉइंट सेम हाइट पर है सब सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम रहेगा. मान लो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम हाइट पर नहीं है तो फिर उन पॉइंट्स पर क्या होगा, प्रेशर कैसे चेंज होगा, अब हम ये देखते हैं. ठीक है, सो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, कि अगर अब एक पॉइंट मेरे पास है कुछ हाइट पर और उससे नीचे जाने पर एक और पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट में प्रेशर का वेरिएशन कैसे आएगा, ये अब हमें देखना है. तो ये देखने के लिए सपोज करिए हमारे पास एक कंटेनर है, वी हैव अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, कोई भी एक लिक्विड है इसके अंदर. ठीक है, एंड सपोज देर इज अ पॉइंट वन एंड देर इज अनदर पॉइंट टू, इन दोनों पॉइंट्स में एक सेपरेशन है h. ठीक है, देर इज अ पॉइंट वन एंड टू, फर्स्ट पॉइंट जो है वो सेकेंड पॉइंट से h हाइट ऊपर है या फिर सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से एच हाइट नीचे है, एच डेप्थ नीचे है. ठीक है, अब हमें यह पता करना है कि इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर कैसे चेंज होगा. ये बात तो पक्की है कि चेंज होगा क्योंकि अगर वन और टू सेम हाइट पर होते फिर तो प्रेशर सेम ही था दोनों पर, पर सिंस सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से कुछ डेप्थ पर है सो प्रेशर विल बी डिफरेंट. अब वो कितना प्रेशर डिफरेंट होगा ये हमें देखना है. ये देखने के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो वन एंड टू पॉइंट्स हैं हम एक सिलिंड्रिकल कॉलम
ले लेते हैं फ्लूइड का, ठीक है। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम इमेजिन कर रहे हैं, हम एक सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं, और ये सिलिंड्रिकल कॉलम इस तरीके से है कि आपके पॉइंट्स 1 और 2 दे आर लाइंग ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अब ये सिलिंड्रिकल कॉलम ही क्यों लिया, मैं इसको सिलेंडर की शेप में ही क्यों ले रही हूं, स्क्वायर रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों नहीं ले रही, ये अभी पता चलेगा जब मैं आपको यहां पे रिलेशन ऑब्टेन कराऊंगी, ठीक है। बट अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक कंटेनर में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड में 2 पॉइंट्स हमने ले लिए 1 और 2, इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर का कितना वेरिएशन आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने उसी फ्लूइड में एक सिलिंड्रिकल शेप का कॉलम इमेजिन कर लिया, ठीक है। एंड ये जो सिलिंड्रिकल कॉलम बना, लेट्स से इस सिलिंड्रिकल कॉलम का जो बेस एरिया है वो है ए, हाइट ऑफ दिस कॉलम इज एच, यही वाला जो सेपरेशन था दोनों पॉइंट्स का, ये उस सिलिंड्रिकल कॉलम की हाइट हो गई, ठीक है। एंड लेट्स से डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट वी आर टेकिंग इज रो, मेक श्योर डेंसिटी का सिंबल जो होता है वो रो ही होता है, डी नहीं लिखेंगे, डेंसिटी इज रो, ठीक। अब फ्लूइड है इसके अंदर या लिक्विड है, कुछ भी मान लो, दोनों एंड्स पर फोर्सेस लगाएगा। अब फोर्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, पर हमने ये बात पहले ही पढ़ ली कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम नहीं लेंगे क्योंकि फ्लूइड जो है वो रेस्ट पर है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, वी विल कंसिडर ओनली द नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है। सो लेट्स से ये जो पॉइंट है 1, इस पर इस फ्लूइड ने एक फोर्स लगाई F1, इस पर सेकंड पर भी इस फ्लूइड ने एक फोर्स लगाई F2, तो ये फोर्सेस कितनी कितनी हो सकती हैं? देखो अपर सरफेस जो है, अपर सरफेस पे फोर्स है F1, इसको मैं लिख सकती हूं P1 into A, वेयर P1 इज द प्रेशर ऑन द अपर सरफेस, लिख लो प्रेशर ऑन अपर सरफेस, एंड P2 इज द प्रेशर ऑन लोअर सरफेस, ठीक है बेटा। सो F1 बन गया P1 into A, भाई प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। इसी तरीके से लोअर सरफेस पर भी जो F2 है वो बन जाएगा P2 into A, ठीक। तो यहां से नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बोलो भाई, F1 नीचे की डायरेक्शन में है, F2 ऊपर की डायरेक्शन में है, सो नेट फोर्स विल बी F2 minus F1, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, सो दिस इज इक्वल टू P2 minus P1 into A, ठीक। अब यहां तक क्लियर हो गया ना, अब जो ये फ्लूइड हम ले रहे हैं, मान लो इसके अंदर वाटर है, सपोज वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेट होगा, करेक्ट। सो वेट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, तो इन मॉलिक्यूल्स का जो वेट है एम
जी वो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, करेक्ट। सो अब जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, इन फोर्सेस की अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो वो क्या बन जाएगी, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg, ठीक है ना, और P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू mg, करेक्ट। अब डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या होती है, सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो यहां से मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी मैं लिख सकती हूं एरिया इंटू हाइट, लिख सकते हैं। सो इसकी मास की वैल्यू अब इस एक्सप्रेशन में वापस पुट करिए, सो ये बन गया P2 माइनस P1 इंटू A इज इक्वल टू रो A एच जी, सो यहां से A कैंसिल हो गया, सो यू हैव योर आंसर, योर एक्सप्रेशन एज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि अगर मैं यहां से लिखूं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, तो आप देख सकते हो प्रेशर एट पॉइंट टू इज व्हाट, प्रेशर एट पॉइंट टू ज्यादा है प्रेशर एट पॉइंट वन से, कितना, बाय अ फैक्टर ऑफ रो जी एच, मतलब जब हम एक पॉइंट पर हैं वहां पे कुछ प्रेशर है P1, जैसे जैसे आप वहां से डीप जाना शुरू करोगे प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ रो जी एच, और आप देखो इस एक्सप्रेशन में एरिया कहीं भी नहीं है, कोई फैक्टर है एरिया का, कोई फैक्टर नहीं है, तो फिर अब चाहे मैं यहां पे सिलेंड्रिकल कॉलम ले लूं, चाहे स्फेरिकल कॉलम ले लूं, स्क्वायर रेक्टेंगल कोई भी शेप ले लो, प्रेशर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना एरिया पे ना शेप पर, राइट, प्रेशर सिर्फ तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से तीन फैक्टर्स पे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट यू आर टेकिंग रो, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एंड हाइट, हाइट और द डेप्थ बिटवीन द टू पॉइंट्स, सिर्फ प्रेशर इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एंड अगर मान लो ये जो पॉइंट वन हमने लिया है, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट वन को शिफ्ट करके फ्लूइड के टॉप पर ले जाऊं, यहां से मैंने ये पॉइंट नंबर वन हटाकर मैं यहां ले आई, लेट्स से इधर है, तो क्या होगा, अब ये पॉइंट वन जो है ओपन कंटेनर है, सो अब ये पॉइंट वन, नाउ दिस इज एक्सपोज्ड टू एयर, सो अब क्या होगा, अब एयर इस पॉइंट पर प्रेशर लगाना शुरू कर देगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, सो मैं यहां पर P1 को फिर PA पुट कर सकती हूं, PA इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर
जो एटमॉस्फेयर जो एयर लगा रही है. एंड लेट्स से पी टू को मैं सिर्फ पी लिख देती हूं. सो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, पी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, या फिर पी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच. ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आया है ना, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, ये आपको क्या बता रहा है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय अ फैक्टर ऑफ रो जी एच. जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसमें आप इतना अमाउंट रो जी एच एड कर दो, तो आपको प्रेशर पता चल जाएगा किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ में जो एक पॉइंट है. और यही वजह है जब अगर किसी ने स्कूबा डाइविंग की है, तो अगर आप लोगों ने स्कूबा डाइविंग संभाव की है या ये सुना तो होगा कि जब एक बंदा ओशन पर है, जब वो ऊपर स्विमिंग कर रहा है या थोड़ा सा डीप जाके स्विमिंग कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा अनइजीनेस नहीं होती. बट जैसे जैसे आप ओशन में डीप जाते चले जाओगे, प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए हर कोई स्कूबा डाइविंग भी नहीं कर पाता, बिकॉज जैसे जैसे आप डीप डाउन जाते जाओगे, प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ रो जी एच. ठीक है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट वन एंड टू, तो जैसे जैसे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक डेप्थ में जाते जाओगे, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. ठीक. और ये जो ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला है ना यहां पे, P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है. और ये जो आपने डिफरेंस निकाला है, दिस इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर, P माइनस पी ए इज रो जी एच, मतलब पी पी ए से ज्यादा है, कितना, रो जी एच. सो दिस एक्सेस ऑफ प्रेशर या डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, जी ए यू जी ई, गेज प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. ये मैं अभी आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी गेज प्रेशर कि मेजर कैसे करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एक डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ रो जी एच. ये क्या है, ये एक सिस्टम है. ठीक है, लेट्स से इस सिस्टम में देर आर थ्री वेसल्स ए बी एंड सी, और इन तीनों वेसल्स को मैंने एक कॉमन हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्ट किया है. ठीक. एंड लेट्स से इन तीनों वेसल्स में वी फिल अ लिक्विड, लेट्स से पानी भर दिया. ठीक है, वी फिल वॉटर इन इट. जब आप इन तीनों वेसल्स में वॉटर फिल करोगे, आप क्लियरली ये चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि तीनों वेसल्स के अंदर जो वॉटर फिल होगा वो बिल्कुल सेम हाइट तक फिल होगा. इट विल बी फिल्ड अप टू द सेम हाइट. तीनों ही वेसल्स में हाइट ऑफ वॉटर विल बी सेम, बट वॉल्यूम ऑफ वॉटर वो डिफरेंट होगा. मतलब एच हाइट ही यहां होगी, एच हाइट ही यहां होगी, और एच भी यही होगी, बट वॉल्यूम विल बी डिफरेंट, वी वन वी टू वी थ्री,
ये बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है? पॉइंट समझ आया ना? देर आर थ्री वेसल्स ए बी एंड सी, ऑल द थ्री वेसल्स दे आर कनेक्टेड टू अ कॉमन बेस एंड वी फिल वॉटर इन दीज थ्री वेसल्स. सो इन तीनों वेसल्स में ये पानी का लेवल इस तरीके से अपने आप एडजस्ट कर लेंगे कि तीनों ही वेसल्स में वॉटर लेवल विल बी सेम, तीनों में हाइट बिल्कुल सेम होगी, जबकि तीनों वेसल्स में पानी का वॉल्यूम बिल्कुल अलग है. एक किसी में ज्यादा पानी है, किसी में कम पानी है, बट हाइट इज सेम. कैन यू गेस हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या हो रहा है यहां पर? ये तीनों लिक्विड्स में, तीनों वेसल्स में जो लिक्विड है उसने सेम हाइट अचीव करी है. क्यों करी है? तीनों वेसल्स को आपने एक कॉमन हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? एंड हमने इसको सिस्टम को जब रेस्ट पर छोड़ दिया, तीनों वेसल्स में पानी अपने आप बराबर लेवल पर आ गया. सो नाउ इट इज अ सिचुएशन ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है? फ्लूइड रेस्ट पर आ गया. तीनों के जो बेस है वो सेम हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्टेड है. सो जो प्रेशर यहां, वही प्रेशर यहां, वही प्रेशर यहां पे भी होगा. तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ यही कहता है ना कि अगर मेरे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम हाइट पर हैं, तो उन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा. तो इसको हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर सारे पॉइंट्स पर प्रेशर सेम है तो फ्लूइड सेम हाइट पर राइज करेगा या सेम हाइट मेंटेन करेगा. वही चीज यहां हो रही है. इवन इफ तीनों वेसल्स का शेप अलग है, स्टिल ऑल द थ्री वेसल्स दे आर कनेक्टेड टू अ कॉमन बेस, अ कॉमन हॉरिजॉन्टल पाइप. सो द प्रेशर इज सेम एंड हेंस द हाइट ऑफ द वॉटर इज सेम इन ऑल द थ्री वेसल्स irrespective of different volumes. So this is called as hydrostatic paradox. Hydrostatic, इसका तो मतलब समझ आ गया, water which is at rest, hydrostatic. Paradox का क्या मतलब होता है? Paradox means something surprising is happening. कुछ हैरान कर देने वाली बात हो गई, कुछ हैरान कर देने वाली चीज हो गई. तो यहां यही हुआ है. हाँ, मतलब ऐसा हमें लगता है कि होना नहीं चाहिए, बट ऐसा हो गया. तो हुआ ना, हमें लग रहा था तीन वेसल्स हैं, तीनों की शेप अलग है, तीनों में वॉल्यूम ऑफ वाटर अलग है, फिर भी तीनों में जो वाटर है वो सेम हाइट पर है. सो दिस इज अ सरप्राइजिंग फैक्टर कि ये हुआ कैसे. तो ये कैसे हुआ? पास्कल्स लॉ की वजह से. पास्कल्स लॉ की वजह से, सिंस हॉरिजॉन्टल पाइप में प्रेशर बिल्कुल सेम है, इसीलिए तीनों वेसल्स में जो वाटर है वो सेम हाइट तक रहा.